नाहन डाइट एक बार फिर विवादों में आ गया है। डाइट में मंगलवार को उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ और डाइट नाहन के प्रिंसिपल आमने सामने हो गए। प्रवक्ता संघ से जुड़े शिक्षकों ने गेट के बाहर प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल हुआ यूं कि शिक्षकों से जुड़ी मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के लोग प्रधानाचार्य से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया, जिस पर शिक्षक भड़क उठे। माहौल खराब होता देख उन्होंने मौके पर पुलिस को भी बुलाया। उन्होंने प्रवक्ता संघ पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। उधर प्रवक्ता संघ से जुड़े शिक्षकों ने डाइट प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप जड़े। उनका कहना है कि प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है और अक्सर अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के मकसद से उन्होंने प्रिंसिपल से मिलने का समय मांगा था और उन्होंने खुद संघ को मिलने के लिए समय दिया था, लेकिन एकाएक उन्होंने मुलाकात करने से मना कर दिया, जिस पर शिक्षक भड़क उठे। उन्होंने प्रधानाचार्य की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि प्रधानाचार्य की शर्तों को वो पूरा ही नहीं करते। इनफैक्ट ये किस्सा 2 महीने पहले का है। पहले इन्होंने अपने सगे भाई और किसी और की यहाँ पे एग्जाम ड्यूटी लगवाई, जिस बात का स्थानीय शिक्षकों ने विरोध किया और मजबूरन इनको शायद सब्स्टिट्यूट लगाना पड़ा। उसके बाद ये यहाँ के शिक्षकों के साथ बहुत प्रताड़ना कर रहे हैं। उसकी रिटर्न कंप्लेन हमारे पास 20 से ज्यादा शिक्षकों की आई। फिर हमने इनको रिटर्न रिक्वेस्ट किया कि एक मीटिंग फिक्स की जाए। इसकी शिकायत हमने सेक्रेटरी एजुकेशन SPD शिमला को भी दे दिया है। इन्होंने उसके बाद कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर कल इनका फोन आता है, आधे घंटे बात हुई शाम के लगभग, इन्होंने कहा कल आकर के मीटिंग कर लेते हैं। आज हम मीटिंग के लिए आए, दिन में हमने सारा प्रोग्राम भी इनकी कंप्लेंट्स भी हमने पोस्टपोन करी, मैं कहा बाद में देखते हैं। अभी जब मीटिंग में आते हैं, इन्होंने सबसे पहले डिनाइल किया कि मैंने आपको बुलाया नहीं है। पहले तो आधे घंटे हमारा इंतजार करवाया, उसके बाद कहते हैं मैंने मीटिंग के लिए बुलाया नहीं है और फिर अब जाकर के पुलिस बुला दिया है। तो अगर इस तरह से कोई डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट ऑफिसर पहले मीटिंग के लिए यूनियन को बुलाता है और फिर पुलिस साथ बुला देता है, तो किस बात से विश्वास किया जाए? इसीलिए ये सारी ग्रेविसेस आदमी के अगेंस्ट है। जो आदमी नकल करवाने के लिए सगे भाई की ड्यूटी एग्जाम ड्यूटी लगवा सकता है, स्टाफ के साथ इस तरह के हैरेसमेंट कर सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट के जितने रिप्रेजेंटेटिव यहां पहुंचे हैं उनके साथ इस तरह का मिसबिहेवियर कर सकता है। ये मेंटल हैरेसमेंट के साथ रोज तंग करना, किसी की एप्लीकेशन सैंक्शन नहीं कर देना, अगर करना है तो प्लास्टर खोल के दिखा दो, मेडिकल का कुछ दिखा दो, तो इस तरह की हरकतें यहां पे डाइट पे चलती आ रही है। स्टाफ का भी कॉन्फिडेंस में लेना ही नहीं है। रोज किसी कम से कम छुट्टी सैंक्शन करने के लिए इस आदमी के पास 10 बार कंप्लेंट जाती है। तो अगर ऐसे अधिकारी डिस्ट्रिक्ट में बैठे रहेंगे तो निस्संदेह पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और यही हमारा एजिटेशन रहेगा। हम प्रशासन से भी और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से फिर से अपील करते हैं, हमने रिटर्न एप्लीकेशन की कंप्लेंट भी दी है, फिर से निवेदन करते हैं कि ऐसे अधिकारी को यहां से तुरंत यहां से ट्रांसफर किया जाए, ताकि यह डिस्ट्रिक्ट का जो माहौल हमारा ठीक से बना रहे हैं। 60 साल के लगभग डाइट को बने हो गए, आज तक ऐसी कोई भी कंप्लेंट इस डाइट की पहले नहीं गई है। यह पहला मौका है कि जब डिस्ट्रिक्ट के पूरे यूनियन को यहां आकर के एजिटेट करना पड़ा और इसमें एसजीटीयू के अगेंस्ट भी कंप्लेंट गई है, एसजीटीयू के पास भी इनके अगेंस्ट कंप्लेंट है, SPD खुद कन्फेस करते हैं कि वहां भी इनके अगेंस्ट कंप्लेंट है। तो इस तरह की शेल्टर अगर ऐसे अधिकारी को मिलती रहेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काम करना। और आईदा ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अगर ऐसा माहौल रहा पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्कूल्स, लेक्चर RMS के ऑफिसर्स रहते हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं, हम इस तरह के किसी भी आदेश की अवहेलना कर देंगे और RMS और SSS प्रोजेक्ट चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उधर इस बारे में डाइट प्रिंसिपल MM गुप्ता ने बताया कि उनसे मिलने के लिए कोई समय नहीं लिया गया था। साथ ही उनकी नियुक्ति को लेकर पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है। ये हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चर एसोसिएशन के लोग हैं, इनका हमेशा शुरू से, जब से मैं यहाँ बैठने से पहले से इवन न्यूज़पेपर में उसमें इनका ये रहा है कि अनुभवहीन व्यक्ति है, फिर भी मैं, मुझे सरकार ने दायित्व दिया, उसके बावजूद भी ये लोग, क्योंकि इनके जनरल सेक्रेटरी हमारे इसी संस्थान में काम करते हैं, वो कल यहाँ आए थे, उन्होंने कहा हमारी कोई जिला स्तरीय बैठक है कहीं कन्या विद्यालय में, तो ना मेरे बारे में, उसके बारे में कोई फिक्स हुआ कि वो इसी संस्थान में आएंगे, क्योंकि जबकि वो ये मेरे पर प्रार्थना पत्र देके गए हुए कि मेरा जो है एक बैठक में, मुझे इसी बैठक में भाग लेना है और मुझे जो है विद्यालय से एक दिन का अवकाश, विशेष अवकाश देने की अनुमति प्रदान करें, तो मेरे हिसाब से तो वो यहाँ से चले गए हैं। अचानक मैं यहाँ 4 बजे ये जब आया तो यहाँ एकदम इन लोगों ने, 40 आदमियों ने मेरे को एक धावा बोल दिया और ना केवल मुझे इंस्टिगेट करने की कोशिश करी और साथ साथ इन्होंने मेरे सरकारी काम में बाधा डाली, दूसरा संस्थान को बदनाम करने के लिए इन्होंने नारे लगाए ताकि मेरे पर अनावश्यक दबाव बन सके या उसके कोई अपना निजी हित साधने के लिए मुझे भी मेरा स्थानांतरण हो सके, जिसके लिए शुरू से प्रयासों में लगे हुए हैं। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।